एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। देखिए, एसआई यूनिट्स आपको जैसे पता है कि हर साल और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अभी भी जितने 5 तारीख से पेपर चल रहे हैं, हर शिफ्ट में कोई ना कोई ऐसा यूनिट पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए लगभग 25-30 के आसपास ऐसा यूनिट है। अगर आपने सारी याद कर ली तो आपका काम हो गया। जैसे समझ लीजिए, 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। कभी कभार तो 2-3 ऐसा यूनिट एक ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आपको तो 5-6 नंबर और बन जाते हैं। 5 तो नहीं, इवन ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए एसआई बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होता है? देखिए बेस यूनिट्स की बात करें, टोटल 7 बेस यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए बेस यूनिट का मतलब क्या होता है। बेस यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर बाकी सारी यूनिट्स बनी होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए कौन कौन सी बेस यूनिट होती हैं। देखिए ये सारी बेस यूनिट हैं, जैसे लेंथ, लेंथ की जो होती है मीटर, सिंबल क्या है, एम। फिर देखिए होती है मास, मास की क्या होती है, किलोग्राम। टाइम, टाइम क्या होता है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इसको सिर्फ टेम्परेचर ही बोलेंगे हम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हटा देते हैं तो इसकी है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। तो देखिए ये 7 हैं बेसिक यूनिट्स के हैं, तो इनको तो आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, इन 7ों को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब कुछ देखिए जो मेन एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगी, ठीक है, जो जो अब बेस यूनिट नहीं, वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट होंगी। डिराइव्ड मतलब जिनको डिराइव किया गया है बाकी इन 7 यूनिट्स को मिलाकर जिनको बनाया गया है। ठीक है, वो होती हैं डिराइव यूनिट। तो उन डिराइव यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं नहीं बताऊंगा। उनको आप क्या है, पीडीएफ फाइल में जाके आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए ड्राइव यूनिट क्या है, अदर क्वांटिटीज कॉल्ड ड्राइव यूनिट, जो अदर क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, एक या एक से अधिक क्वांटिटीज से मिलके। ठीक है, देखिए जैसे एरिया, एरिया क्या होती है, स्क्वायर मीटर। इसमें क्या है, मीटर को 2 बार लिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक मीटर, मीटर को 3 बार लिया हुआ है। देखिए एरिया, वॉल्यूम, स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए टाइम और आपका ये मीटर, ये दोनों लिए गए हैं। ठीक है, साथ साथ एक्सेलरेशन देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, एम की पावर -1। ठीक है, ये होता है वेव नंबर। मास डेंसिटी देखिए, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पर किलोग्राम और आपका मीटर ये दोनों हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम है ये। ठीक है, फिर साथ ही साथ देखिए करंट डेंसिटी, एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सब जगह आपकी इंपॉर्टेंट हुई है। पर देखिए इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मैं इनको हटा देता हूँ। एक तो देखिए ल्यूमिनेंस, ये ल्यूमिनेंस क्या होता है, ये होता है कहें तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की इंटेंसिटी जो होती है उसको हम कहते हैं कैंडला पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सीडी पर स्क्वायर मीटर। फिर होता है देखिए मास फ्रैक्शन, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये हैं, जहाँ पर क्या है, ऐसा यूनिट्स को एक स्पेशल नेम के साथ सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, मतलब एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ऐसा यूनिट्स को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट यही है, तो इनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे इसके अंदर आएंगी आपकी प्लेन एंगल, जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है, देखिए सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं स्टेरेडियन। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये दोनों, इंपॉर्टेंट शुरू कहाँ से होते हैं, फ्रिक्वेंसी से। फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी को कहते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज यूनिट होती है इसकी। फोर्स की क्या है, न्यूटन। प्रेशर की और स्ट्रेस की, ये होती है पास्कल। ठीक है, कहें तो देखिए एम की पावर -1 इंटू के जी इंटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, या कहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप इसे। उसके साथ देखिए एनर्जी, वर्क, क्वांटिटी ऑफ हीट, इन तीनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। क्योंकि देखिए एनर्जी तभी लगती है जब हम कोई वर्क करते हैं, और जब कोई वर्क करते हैं तभी जो हमारी कुछ हीट की क्वांटिटी होती है वो बर्न होती है। इसलिए क्या, तीनों सेम है, इसलिए हम तीनों क्या है, जूल लिखते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए आपका पावर, रेडिएंट और फ्लक्स। ठीक है, पावर और रेडिएंट फ्लक्स, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। ये सारी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक भी मत छोड़ेगा, सारी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ आपका, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई, इन इनकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम।
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोट, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनकी क्या होती है, इनकी है वोल्ट, कहें तो वॉट पर एम्पियर, ठीक है, वॉट पर एम्पियर। ऐसे देखिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की क्या होती है, फेराड। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या है, ओम, ये वो वाला ओम नहीं है भगवान जी वाला, ये ओम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये होती है सीमेंस। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स ये इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है, ठीक है, एक दो बार, तो इसकी क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये होती है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला आपको पता है आजकल कार आती हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, टेस्ला कंपनी है, तो आप याद रखिएगा उससे। इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, ठीक है, कार्टून भी आता है एक हेनरी नाम से। उसके बाद देखिए सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, सही ना, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी होती है ल्यूमेन। इल्यूमिनेंस इसकी होती है लक्स, साबुन नहीं है ये, ओके। उसके बाद होती है देखिए एक्टिविटी, तो ये होती है बैकरल। उसके बाद एब्जॉर्ब डोज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटलिक एक्टिविटी, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट थी ना वो बीच में यहाँ जितनी आई हैं, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या है, ये वो ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो स्पेशल सिंबल वाले यूनिट थे वो भी इसी के अंदर डिराइव्ड हो गए हैं, ठीक है, मतलब ये उनसे भी एक आगे बढ़ के, इसमें क्या है, बेसिक यूनिट प्लस आपकी जो स्पेशल सिंबलाइज यूनिट है उन दोनों को लिया गया है। जैसे आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, इसमें क्या है, पास्कल सेकंड, मूवमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, हीट फ्लक्स डेंसिटी और इरेडियंस वॉट पर स्क्वायर मीटर, हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी जूल पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो देखिए ये सारी में क्या है, देखिए ये पास्कल न्यूटन रेडियन वॉट जूल ये सब क्या है, सिंबलाइज ऐसा यूनिट्स हैं। और पीछे क्या है आपकी, पीछे है आपकी डिराइव्ड या फिर आपकी जो बेसिक यूनिट्स हैं। ऐसे देखिए आपका स्पेसिफिक एनर्जी जूल पर किलोग्राम, थर्मल कंडक्टिविटी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो ये सबकी वैसे ही बन रही है, जूल वॉट वॉट कूलम, कूलम फेराडे हेनरी, इन सबके आगे लगा हुआ, पीछे वही किलोग्राम मीटर केल्विन क्यूबिक मीटर, तो ये सब आ रहा है, ठीक है। देखिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, मोलर एनर्जी देखिए जूल पर मोल है ये, परमिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, हेनरी पर मीटर है ये, रेडियंस तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, रेडियंस वॉट पर स्क्वायर मीटर स्टेडियन। तो देखिए ये सारी थी आपकी, मैंने आपकी सबको इनकी वीडियो बना दी है, एक ही वीडियो में मैंने आपको ये सब दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने इसमें नहीं बताई है। वो क्या करेंगे आप देखिए, ये आपने देख ली वीडियो, अब आप इस वीडियो को PDF को डाउनलोड करिए, और जो मैंने बताई है वो तो याद करिए ही करिए, पर जो नहीं बताई है उन्हें भी एक बार आप फेर लीजिएगा, बाय चांस कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया गलती से तो आपके दिमाग में वो बात होगी। और देखिए हर वर्ड को किसी ना किसी एक सिंबल से या किसी एक इमेज से जोड़ने की कोशिश करा करिए, आपको आसानी मिलेगी याद करने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पूछना है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।